Hey guys, welcome to another video of Airsoft Gun India. And if you have this kind of plastic gun and you have broken it or you have destroyed it, मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई गन है, प्लास्टिक की गन्स थी बचपन से, या आपके पास कोई प्लास्टिक का गन था और आपने उसे खराब कर दिया था, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है कि कैसे आप अपने गन्स को खराब कर सकते हैं और क्या करने से या क्या नहीं करने से आप इस गन की लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं सालों साल। तो गाइस, इस गन वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बात जो आपको एक्सेप्ट करना होगा कि दिस गन्स आर प्लास्टिक गन्स, प्लास्टिक एयरसॉफ्ट गन, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का फुल मेटल एयरसॉफ्ट गन नहीं है, एंड जो कि पूरा लोहे का बना होता है, जो कि बहुत सॉलिड होता है। ये जो गन्स हैं इज मोर ऑफ अ प्लास्टिक मेड, तो इसके आपको खास केयर करनी पड़ेगी वरना ये गन डिस्ट्रॉय हो जाता है या ये गन जो है खराब हो जाता है। तो गाइस, क्या है सबसे मेन चीज जो लोग नहीं करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको वैसे मालूम होनी चाहिए कि इसे ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ये प्लास्टिक की गन है गाइस, प्लास्टिक गन, I know, although I can say कि ये जैसे ये वाली गन है, ये आई नो, तो ये थोड़ी सी अच्छी प्लास्टिक की है और ये सब जो है थोड़ी हल्की की है, बट अगर मैं इसे ड्रॉप करूंगा चांसेस आर कि इसके अंदर के कंपोनेंट, बाहर से कुछ नहीं होगा लेकिन अंदर का कंपोनेंट ये टूट सकता है, ये थोड़ा सा फ्रजाइल है, तो यू नो आफ्टर टाइम कुछ बार यूज करने में तो टूट सकता है। तो नेवर ड्रॉप दिस गन, इस गन्स जो है वो ड्रॉप करने के लिए नहीं होता गाइस, यू हैव टू हैंडल विद केयर, प्यार से रखिए, प्यार से यूज करिए। सो नंबर सेकंड गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन गन्स को खराब करने का सबसे आसान तरीका, सबसे सस्ता तरीका, वो ये है कि कभी भी आपने एक बार इस बुलेट को फायर कर लिया, दोबारा सेम बुलेट इसके अंदर यूज नहीं करना है गाइस, कभी नहीं, भूल की भी कभी मत करिए। ये सबसे आसान तरीका है। ये गोलियां आई थिंक 1 रुपए के 4-5 पड़ते हैं, अगर आप यू नो इसका हिसाब लगाएं तो बहुत सस्ता पड़ता है गन। और अगर आप एक बार से फायर कर देते हैं और उसके बाद सेम बुलेट को इसके मैगजीन के अंदर डालते हैं और गन से फायर करते हैं, तो मैगजीन भी थोड़ा सा रब आउट हो जाएगा और इसके बैरल को बहुत नुकसान होगा गाइस, यू नो, कोई भी गन, ये तो बेसिक किसी भी गन के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गन खराब हो जाता है। तो कभी भी यू नो 50 पैसे 1 रुपए बचाने के लिए कभी भी इसको रीयूज मत करिए। एक बार आपने फायर कर दिया, दैट्स इट, थ्रो इट अवे, उसको दोबारा गन में नहीं डालना है, भूल के भी नहीं डालना है, वरना आपका गन खराब हो जाएगा। थर्ड गाइस, ये असली गन के लिए भी होता है और ये नकली गन के लिए भी होता है गाइस। कभी भी जब भी आप मैगजीन के अंदर बुलेट भरें, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर इस चेंबर में 15 राउंड पड़ता है, तो मैं क्या रिकमेंड करूँगा कि आप इसके अंदर सिर्फ 12 राउंड डालें। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर है यू नो, अगर इसके अंदर 10 राउंड पड़ता है तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि 8 राउंड ही डालें, उससे ज़्यादा इसके अंदर लोड नहीं करना है, उससे ज़्यादा इसके अंदर भरना नहीं है, नहीं तो उससे होगा क्या गाइस, अल्टीमेटली स्प्रिंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, वो यहाँ पे प्रेशर डालेगा, जब आप इसके अंदर इसको लोड करेंगे बुलेट को तो इसका मैकेनिज्म बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और ये गन को बहुत ही सस्ते तरीके से ख़राब कर सकता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और आपने गन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर आप लोगों में से किसी ने NCC की ट्रेनिंग ली है या आर्मी के किसी कैंप वगैरह में गया है और वहाँ वेपन की ट्रेनिंग के बारे में आपने सुना है, तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि कभी भी ऐसे यू नो वो लोग अपने गन के अंदर 25 राउंड के गन के अंदर हमेशा 22 या 20 गोलियां ही भरने के लिए कहते हैं। सेम ये प्लास्टिक के एयरसॉफ्ट गन इसके लिए भी होता है, हमेशा इसको अंडर यू नो एमओ जितना उसकी कैपेसिटी होती है उससे कम में भरें, ज्यादा कभी ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इन गन्स में प्रॉब्लम होगा कि एक टाइम के बाद आपका कॉकिंग मैकेनिज्म खराब हो जाता है और आप उसको लोड नहीं कर सकते हैं। ये सबके साथ हुआ होगा अगर आप लोगों ने ऐसी गन्स कभी चलाई हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है डबल लोडिंग। कॉकिंग ये होता है कि आप एक के जगह पे 2 राउंड इसके अंदर लोड कर देते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूं करके, इसके अंदर मैं 3 राउंड डालता हूं। अब ये बहुत ही अच्छी गन है और इसके अंदर एक बार में 1 राउंड लोड होता है, यू कैन सी। अगर मैं इसको यू पुल करता हूं और इसके अंदर 1 गोली लोड होता है और आई विल फायर इट, गुड। लेकिन अगर मैं किसी भी कारणवश इसको पुल करके या फिर सम यू नो ढंग से इसमें पुल नहीं करता हूँ, इसके अंदर मैं 2 राउंड लोड कर देता हूँ और फिर मैं उसको फायर करता हूँ, तो इसके अंदर डबल गोलियाँ इसके चेंबर में चला जाएगा और उसके बाद ये अंदर का मैकेनिज्म ख़राब कर देगा। अगर मैं इसे लोड करता हूँ लाइक दिस, 1 BB इसके चेंबर में आ गया है, बट अगर मैं उसको बार बार लोड करता जाऊँगा तो इसके अंदर एक्स्ट्रा बीबीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी और जब मैं इसे फायर करूंगा 2 BB एक साथ बाहर निकलेगा और इसके बैरल को डैमेज कर सकता है, इसके मैकेनिज्म को डैमेज कर सकता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान दें कि आपके चेंबर में 2 BB कभी भी लोड नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करें, हमेशा जो लोडिंग है बहुत ही क्रिप्स करें और बहुत ही एक बार में करें, एक झटके में करें और बहुत ही स्ट्रांगली करें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लूंगा, आई गो इट लाइक दिस, दैट्स इट, 1 BB एट अ टाइम। अगर मैं इसको ऐसे करता जाता हूँ, आधा रोका,
लोड किया, फिर थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूँ, फिर से मैं इसको लोड कर रहा हूँ। कभी ऐसा मत करिए, हमेशा एक बार में लोड करिए, एक बार में फायर करिए। ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस गाइस। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, आपकी ये गन्स कभी ख़राब नहीं होने वाली हैं, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली हैं। ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम। अगर आप चाहें तो इन गन्स को ऑयल भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, यू नो, ऑल्दो मैं प्लास्टिक गन्स को ज़्यादा ऑयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट देन ऑल्सो आप थोड़ा बहुत इसके अंदर ऑयलिंग कर सकते हैं। हमेशा अच्छे छर्रे का इस्तेमाल करें, मेक श्योर कि जो छर्रा जब लोड कर रहे हैं कोई टेढ़ा मेढ़ा छर्रा ना हो। इन सब बेसिक बातों का आप ध्यान रखेंगे गाइस, तो आपकी गन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कभी ख़राब नहीं होगा। आई होप इन बातों का आप ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको ये गन्स खरीदनी होगी तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाइए, इन गन्स को आप परचेस कर सकते हैं और ये गन होम डिलीवर्ड हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। हैव फन।